अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरेट यूनिवर्स। आई होप सो गाइस आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा प्रैक्टिकल था तो मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गई, तो जल्दी से हम जाते हैं अपनी पिजन को पानी देते हैं और खाना वाना देते हैं। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और डायमंड केज में नहीं है, तो बस मैं डायमंड को बुला रही हूँ। डायमंड डायमंड आ जाओ, डायमंड डायमंड चलो केज में जाओ, केज में जाना है ना, केज में मिलेगा सब। चलो केज में जाओ 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 जाओ। देखिए केज में जाने की डायमंड की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। ये लो खा लो इसको भी। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारा लग रहा है डायमंड। और अभी हम दरवाजे को बंद कर देते हैं। डायमंड को अभी हम बाहर रख देते हैं। डायमंड यहाँ आज धूप में नहीं रखते हैं क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे मैंने सीड भी डाल दी है और पानी भी रख दिया है, और हम पानी को थोड़ा सा दूर रखेंगे यहाँ पर, और सीड तो यहाँ पे है ही। और अभी हम अपने सारे पिजन को बाहर निकालते हैं। आज सबसे पहले हमारा जाजू बाहर आया है, उसके बाद हमारी फैंसी पिजन, और यहाँ पे हमारी नॉर्मल पिजन भी बाहर आ गई हैं। अभी मैं थोड़ा सा और पीछे जाती हूँ ताकि ये सीड खा लें और पानी भी पी लें अच्छे से। अच्छा मैंने सीट को दूर रखा है पानी से, वरना अब तक तो पूरी सीट भीग जाती। देखिए माशाल्लाह से खाते हुए कितनी प्यारी लग रही हैं। ये चारों हमेशा एक साथ खाती हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने पिजन को बाहर क्यों नहीं सीट दे रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है, इसीलिए हम अपने पिजन को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। हम इनको शाम के टाइम बाहर निकालते हैं और ये शाम में बहुत अच्छे से बाहर घूम लेती हैं और वापस से अपने घरों में आ जाती हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं सब एक साथ, और ऑलमोस्ट सब एक ही कलर की हैं, बस हमारे पास कुछ वाइट हैं। वाइट एंड ब्लैक में एक पिजन है सारी, बस हमारा जाजू हल्का हल्का ब्राउन शेड में है, बट ऐसे कैमरे में पता बिल्कुल नहीं चलता, लगता है ब्लैक है। और ये देखें दोनों यहाँ साथ में पानी पी रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी किसी भी बॉक्स में कोई भी अंडा नहीं आया, पता नहीं कब इन्होंने अंडा देना है। खैर अभी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और बाहर जाते हैं और इस दरवाज़े को बंद कर देते हैं। और ये देखिए डायमंड कितने मज़े से माशाल्लाह से खा रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्यूट। और यहाँ पे देखिए हमारे सनफ्लावर आई थिंक सारे खिल गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अभी यहाँ पे देखिए सीड आ रही हैं हल्की हल्की। और ये देखें इनका पता नहीं क्यों फेस ऐसे है, जबकि इनका फेस तो सन की साइड होना चाहिए था, पता नहीं। और ये भी देखिए ये भी सनफ्लावर है, और यहाँ पे भी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और यहाँ आज रोज़ भी खिले हुए, यहाँ पे भी खिला है, यहाँ पे भी, और ये देखें यहाँ पे भी, कितने प्यारे लग रहे हैं सभी। अभी मैं आप लोग को अपने अंदर वाले प्लांट्स की अपडेट थोड़ी सी दे देती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे सारे पेड़ ठीक हैं। आई थिंक हमारे ये मिर्ची का पेड़ जो है वो ख़राब हो गया है, अब इसको कुछ दिन और यहाँ पे रहने देते हैं, अगर लीव्स आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ से निकाल कर कोई और प्लांट लगा देंगे। सो गाइस अगर आप लोग को याद होगा इस सीड को मैंने लगाया था, ये निकल गई थी, और अभी देखें माशाल्लाह से ये बड़ा होना स्टार्ट हो गया पेड़। और यहाँ पर देख काफ़ी निकल गए, ये भी निकल गया यहाँ पर, ये तो काफ़ी बड़ा भी हो रहा है यहाँ पर, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया।
और यहाँ पे भी मैंने सीड डाली थी, यहाँ से भी पेड़ निकलना शुरू हो गए हैं, और अभी इस साइड पे तो नहीं निकल रहे हैं, कहीं पे भी नहीं है। आप अभी हम इसको बंद करते हैं और चलते हैं अपने प्यारी फैंसी पिजन के पास, और वहाँ जाकर हम आपको उनकी अपडेट देते हैं। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं और ये देखिए हमारी सारी पिजन जो है बाहर निकली हुई हैं, और कितनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। ये देखें उड़ते हुए कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। आपको ये कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और ये देखें सब एक साथ लाइन से बैठी हुई हैं और एक साथ उड़ रही हैं, और ये उड़ने के बाद वापस यहाँ बैठ जाती हैं। और अभी हमने यहाँ पर सीड डाला है, और ये देखिए कितने शौक से सीड खा रही हैं सभी हमारी, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हैं। कबूतर सीड खाते हुए और उड़ते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, देखें ये कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। रियान इन सारी कबूतरों की बहुत ज़्यादा अच्छी केयर करता है, हर एक पिजन यहाँ पर हेल्दी है, आप खुद ही देख सकते हो। और आपको ये सारी पिजन कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और आज का अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी हम आपको थोड़ी देर में नॉर्मल पिजन भी दिखा देंगे। यहाँ पे अभी सारी जो पिजन है सब फैंसी पिजन है, बस थोड़ी सी नॉर्मल पिजन है, आई थिंक 4-5 बस बाहर नॉर्मल पिजन है, और बाकी सारी फैंसी पिजन है, और ये उड़ते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब ये देखें यहाँ पे नॉर्मल पिजन हमारी फैंसी पिजन का पीछा कर रही है, और ये देखिए कैसे चल रही है धीरे धीरे उसके पीछे पीछे पीछे, बहुत क्यूट लग रही है माशाल्लाह से। हमारे यहाँ सारे पिजन ने अच्छे से सीड खा लिया और पानी पी लिया, इसलिए इनको भूख नहीं लगी हुई है, और ये ऐसे ही घूम रही हैं, और कुछ तो लाइन से बैठी हुई हैं। ये ऐसे ही करती हैं, जब ये सीड खा लेती हैं तो एक साइड चली जाती हैं सारी और एक साथ बैठी रहती हैं। देखें यहाँ पर लाइन से सभी बैठी हुई हैं, और बस कुछ उड़ती हैं, 2 या 3 उड़ती हैं, और अभी इन सब का पेट भरा हुआ है इसलिए ये सब लाइन से बैठी हुई हैं। और ये देखें हमारी फैन टेल पिजन, इसको चाहे आप जितना दे दो ये फिर भी खाती रहती है, इसको बहुत भूख लगी रहती है, हमेशा जब देखो तभी खाती है, और अभी देखें कैसे भाग रही है देखकर। खैर अभी हम आपको अपने नॉर्मल पिजन की अपडेट दे देते हैं। यहाँ पे भी वाइट पिजन ज़्यादा हैं, और वाइट और ब्लैक में भी हैं, बट वाइट और ब्लैक में कम है, ज़्यादातर वाइट पिजन यहाँ पर है। और यहाँ पर हमारी एक कबूतर ने अंडा भी दिया हुआ है, और वो यहाँ पर है, अभी सिर्फ एक है, अभी दूसरा अंडा नहीं आया है, अभी देखिए शायद कल या परसों यहाँ पर दूसरा अंडा भी आ जाए। और कितनी प्यारी लग रही है ये, देखिए डर बिल्कुल नहीं रही है। यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल पिजन है बस यहाँ पे ही अंडा आया है, एक ही जगह और कहीं पे कोई अंडा नहीं है, सारी पिजन बस ऐसे ही बैठी हुई हैं। सो अभी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और बाहर जाते हैं।